नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। उत्तर प्रदेश में आज महिलाओं पर सियासी घमासान छिड़ा है। प्रधानमंत्री के मिशन महिला शक्ति पर बात करते करते प्रियंका गांधी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया। प्रियंका गांधी आज लखनऊ में थी, उनसे छापेमारी पर सवाल पूछा गया तो प्रियंका गांधी ने बेहद सनसनीखेज आरोप लगाया। प्रियंका ने दावा किया कि फोन टैपिंग तो छोड़िए, उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट तक हैक किए जा रहे हैं। सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या आरोप लगाया है। फोन टैपिंग छोड़िए, मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम के अकाउंट भी हैक कर रहे हैं। सरकार के पास और कुछ काम नहीं है क्या? सरकार के पास और कुछ काम नहीं है बताइए। फोन टैपिंग छोड़िए, मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम के अकाउंट भी हैक कर रहे हैं। सरकार के पास और कुछ काम नहीं है क्या? सरकार के पास और कुछ काम नहीं है बताइए। तो प्रियंका गांधी सवाल पूछ रही कि क्या सरकार के पास कोई काम नहीं है। टैपिंग से जुड़ा सवाल था, उस पर उन्होंने कहा कि टैपिंग तो छोड़िए, मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किए जा रहे हैं। ये एक बड़ा गंभीर आरोप प्रियंका गांधी ने लगाया है। लखनऊ में प्रियंका गांधी थी, उनसे सवाल फोन टैपिंग को लेकर के किया जा रहा था तो वो फोन टैपिंग से उन्होंने कहा कि फोन टैपिंग तो छोड़िए, उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट सरकार हैक करवा रही है। ये एक बड़ा गंभीर आरोप प्रियंका गांधी की तरफ से लगाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि यह सिर्फ आरोप है, क्या प्रियंका गांधी के बच्चों का अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट वाकई हैक करवाया गया? क्या इस तरह की कोई शिकायत प्रियंका गांधी की तरफ से साइबर सेल को की गई, कहीं और की गई? क्या इस बात को ये पहली दफा ऐसा हुआ है या इससे पहले कभी हुआ था? इस तरह के तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी आने बाकी हैं। हमारे साथ प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं। और रॉबर्ट, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि उनके बच्चों का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करवा रही सरकार, क्या आपको ऐसी कोई खबर मिली कि आपके बच्चों का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है? मुझे अपने बच्चों की, अपने परिवार की हर चीज की खबर है जी। और मैं यही बोलूंगा, आजकल जो माहौल चल रहा है, ये जो सरकार है, मतलब वो किसी चीज पर रुकती नहीं है, मतलब कि किसी लेवल पे भी जाते हैं। अब बच्चों के अकाउंट्स हैक हो गए हैं और पूरा असुरक्षित माहौल है। प्रियंका के साथ जो व्यवहार करते हैं, और मतलब कि कोई भी देश भर में सब लोग डरते हैं कि कौन सा ऐप इस्तेमाल करें, फोन पे बात करें भी या नहीं। अब ये क्या कोई सुन रहा है, किस तरीके से कोई एजेंसी के द्वारा हमें परेशान किया जाएगा? अच्छा है कि हम बाहर खर्चा करें या जो भी है, जो माहौल जो है ये, मतलब बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं हमारे पास डेमोक्रेसी है। ये टोटली ये मतलब कि जो ये जो तौर तरीका अपना रहे हैं ये लोग, देश के लोग बहुत परेशान हैं। और मैं बताऊंगा, आप अगर आप बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे और बच्चों के ऊपर भी आप कार मतलब कोई आप मतलब कि उनके अकाउंट वगैरह आप उसके ऊपर आप मतलब कि कुछ हैक करेंगे, कोई तरीके ढूंढेंगे उनको परेशान करने के लिए और उल्टा हमें परेशान करने के लिए, क्योंकि प्रियंका और राहुल इतना मेहनत कर रहे हैं और लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, तो मतलब कि ऑब्वियसली ये लोग किसी हद पे भी आ सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि जरूर मैं बहुत मतलब कि मेरे को, मैं नाराज हूं और मतलब कि बिल्कुल गलत लग रहा है जो माहौल चल रहा है और मेरे बच्चों को भी परेशान किया जा रहा है। रॉबर्ट, ये बताइए कि कब हैक हुआ आपके बच्चों का इंस्टाग्राम अकाउंट, कब आपको पता चला? देखिए, ये मैं आपको बताऊंगा कि मेरे जो लीगल ऑफिसर हैं उन्होंने मेरे को अभी बोला है कि बिल्कुल हम लोग ये कानूनी तौर से देखेंगे और अभी आप इसके बारे में ज्यादा जिक्र ना करें, पर यही है कि आप कानूनी तौर से देखेंगे कि हम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे एक दोबारा मतलब फिर से। हमारा तो हर रोज का हो गया है, मतलब सितंबर के आखिरी में इस 2021 में मेरे को 72 नोटिसेस मिले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जस्ट 30 तारीख के रात को, क्योंकि उनको पता है वो उसके बाद नल एंड वॉइड हो जाएगा, भेज नहीं पाएंगे। मैं कह रहा हूं इनके तौर तरीके बिल्कुल नाजायज हैं, बिल्कुल गलत है और हर एजेंसी हर तरीके से परेशान करने का इनका तौर तरीका होता है। और पर कानून है, हम कानून पे भरोसा करते हैं और जरूर उनके सामने ये डाला जाएगा कि ये बच्चों के ऊपर भी ये लोग बच्चों को परेशान कर रहे हैं, उनके अकाउंट्स को हैक कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं किस तरीके से वो
उनको किसी तरह परेशान कर रही हैं, जो भी है। तो जो प्रियंका कह रही हैं, मैं उसमें बिल्कुल मैं उनके साथ हूं इस चीज में, और डिटेल्स में अभी नहीं दे पा रहा हूं, पर अगर हम कुछ बोलते हैं तो जरूर है और सबूत है, पर वो कानून के द्वारा हम चलेंगे और उनके कानून से हम भरोसा करेंगे कि वो इस चीज को आगे लें। और इन चीजें जो ये तमाम चीजें हो रही हैं, ये इसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें कंट्रोल नहीं करना है कि कोई भी हम किस तरीके से हम बात करते हैं या किस ऐप से बात करते हैं, ये वो ये बिल्कुल ठीक बात है रॉबर्ट, बिहेवियर है। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ, बिल्कुल आप कानून का सहारा लीजिए और आपको शिकायत करनी चाहिए अगर ऐसा कुछ हुआ है, जो भी कानूनी प्रक्रिया उसके जरिए आप इसमें इंसाफ हासिल कीजिए। लेकिन रॉबर्ट मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये अकाउंट जब हैक हुआ होगा तो आपको खबर मिली होगी, ये आज हुआ, कल हुआ या इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ अकाउंट हैक होने की? देखिए अगर ये थोड़ा ना कि आज सुबह हुआ है, ये कुछ समय से चल रहा है। अच्छा, और हम लोग देख रहे हैं कि ये हमने हर तौर तरीके से देखा है, इसको समझा है, उसी के बाद हमने इसके बारे में पब्लिक में जिक्र की है। ठीक है, और ठीक है, ये कोई मामूली बात नहीं है, हमारे पास प्रूफ है। जी जी, तो हर तरीके का प्रूफ है। और मैं यही कहूंगा कि बच्चों को प्लीज ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मतलब कि हाँ, क्योंकि अगला जेनरेशन है, वो देख रहा है, सीख रहा है, और उनको डर और भय नहीं होना चाहिए कि इस देश में वो आगे प्रगति नहीं कर पाएंगे, और उनको कंट्रोल नहीं करना चाहिए इस तरीके से। पर हम जैसे मैंने बोला, मैं कानून का सहारा लूंगा और मैं होप करता हूं कि ये चीज कंट्रोल की जाए कानून के द्वारा, कि ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए। सबको डेमोक्रेटिक फील होना चाहिए और मतलब कि फुल आजादी होनी चाहिए यहाँ इस देश में। रॉबर्ट एक और चीज, मैं अभी आपके बेटे रेहान का इंस्टाग्राम अकाउंट देख रहा था, वो तो मुझे एक्टिव दिखाई दे रहा है, तो ये बेटे का अकाउंट हैक हुआ या बेटी का अकाउंट हैक हुआ? अभी मैं यही कहूंगा कि मेरे दोनों बच्चों अपने अकाउंट्स को मतलब ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है। और जिनका भी जो भी हमारे पास प्रूफ है, वो कानून के द्वारा आपको पता लगेगा और मतलब कि उसको एक्सपोज किया जाएगा। और अगर प्रियंका ने ये ऑलरेडी पब्लिक में डाल दिया है, तो हमारे पास जरूर कोई कारण होगा, कोई रीजन होगा, जो हम भी मतलब परेशान है कि इस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए, जहां बच्चों को भी कंट्रोल करने के कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहे हैं। और मैं यही कह सकता हूं कि जैसे आप मतलब कि हर चीज का कोई हद ही नहीं रह गई है, क्योंकि आप कहेंगे कि पहले सिक्योरिटी को हटाओ, एसपीजी को हटाओ, फिर घर से हटाओ, और फिर मतलब मुझे तो 10 साल से मतलब जब से ये लोग सरकार आई है, मेरे को परेशानी करते जा रहे हैं, चाहे बिजनेस में हो या मतलब कि पर्सनल मैटर हो या कुछ भी हो, और मतलब कि मेरे को एजेंसी, चाहे आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या ईडी हो या कोई से भी मतलब एजेंसी के ये लोग माध्यम से मतलब कि मेरे को परेशान करने के पूरा अपना स्ट्रेंथ लगा देते हैं। अब मैं बच्चों को देख रहा हूं कि उनके अकाउंट वगैरह हैक कर रहे हैं, यार हद होती है हर बात की। तो मैं यही विनती कर रहा हूं कि कानून के द्वारा कि ये बच्चों को बिल्कुल परेशान ना किया जाए इस तरीके से। ये जो पॉलिटिकल राजनीतिक जो ये चीजें अपनाते हैं और कोई तरीके ढूंढते हैं हमें कुछ डराने के लिए या मतलब कि प्रेशर डालने के लिए, इन चीजों से कोई प्रेशर या हम लोग डरेंगे नहीं, हम तो जरूर बढ़ेंगे, प्रियंका बढ़ेंगे, राहुल बढ़ेंगे, और मतलब भी हम आगे देश के लिए काम करेंगे। हाँ, बताइए। रॉबर्ट वाडा जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रही हैं, जिस तरीके से वो अलग अलग मुद्दों को लीड कर रही हैं, उसमें आगे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं, उनको काउंटर करने के लिए आप लोगों को परेशान किया जा रहा अलग अलग तरीके से, और उसी कड़ी में ये बच्चों का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किया गया है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, और जो भी हम बोल रहे हैं सबूत के साथ बोलते हैं और कानून के द्वारा हम बोलेंगे। हम होप करते हैं कि ये कंट्रोल मतलब कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करें और लोगों को कंट्रोल ना करें और हमें कंट्रोल ना करें और मतलब कोई प्रेशर ना डालें कि हम अपनी जमान बंद करें, वो बंद नहीं होंगे। हर मुद्दे पे प्रियंका बोलेंगी, आगे बढ़ेंगी और मतलब लड़ाई करेंगी सारे लोगों के लिए। रॉबर्ट वाडर जी, एक चीज और है, तो क्या पिछले कुछ वक्त में आपका भी कोई ऐसा अनुभव रहा खुद का, आपका जाती पर्सनल, जिसमें आपको ये लगा हो कि सरकार आपको परेशान कर रही है और आपके जरिए प्रियंका को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही हो?
देखिए पूरा देश देखता है कि जब भी राहुल या प्रियंका बाहर निकलते हैं प्रचार में, या मतलब कि अगर कोई भी सरकार के पास कोई मुद्दा हो जाता है और उसको डाइग्रेस करना चाहते हैं, उसको छुपाना चाहते हैं, तो रॉबर्ट वाड्रा का इस्तेमाल किया जाता है। मैं थर्ड पर्सन में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर आदमी यही बोलता है कि यार रॉबर्ट वाड्रा तो उनका वही बन गया कि जब भी कुछ छुपाना है या कुछ मतलब उनके कोई भी अफवाह, कोई भी क्लियर वो करना है, रूमर स्प्रेड करनी है, उसके पीछे चलो पेट्रोल के प्राइस बढ़ा देते हैं, चलो कोई और मुद्दा डाल देते हैं कि उसके ऊपर फोकस ना है। तो मेरा तो मतलब अनुभव या जो भी है, 7 साल 8 साल से ये चलता ही जा रहा है, ये मतलब कि रुक ही नहीं रहा है। और मैं तो झेलने की क्षमता तो है, पर यार मतलब कि मतलब कितने सवाल पूछेंगे, 23,000 डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, रेड कर दिया है, मतलब सारे मतलब जो भी मेरा काम था उसको मतलब कि रोक दिया है, जिस जहां से मैंने 1 रुपए कमाए उसके ऊपर मतलब कि मतलब उसके ऊपर कार्रवाई कर ली है। रॉबर्ट जी, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो आपकी लीगल टीम है जो इसमें एक्शन लेने जा रही, जो आपने प्रियंका की तरफ से जो ये बात कही गई कि उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किए गए, उसको लेकर के जो कार्रवाई आप करने वाले हैं, जो शिकायत आप करने वाले हैं, वो भी हमारे सामने होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रॉबर्ट वाड्रा जी, आपने हमें वक्त दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।